रेडियो हिंदुस्तान के श्रोताओं को स्वयं प्रभा का नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सबकी जिंदगी में सब हालचाल ठीक ठाक होगा। वैसे जिंदगी है तो दिक्कतें तो आएंगी ही, समस्याएं तो घेरेंगी ही, लेकिन दोस्तों हमें भी उनसे लड़ने का, उनको हैंडल करने का, टैकल करने का सलीका आना चाहिए। चलिए इसी संदर्भ में मैं आपको एक मज़ेदार प्रसंग सुनाती हूँ। किसी शहर में एक आदमी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। वो अपनी जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं था। हर समय वो किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था। एक बार उसके शहर से कुछ दूरी पर एक सिद्ध महात्मा जी का काफिला रुका। शहर में चारों ओर उन्हीं की चर्चा होने लगी। बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचने लगे। उस आदमी ने भी महात्मा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही उनके काफिले तक पहुंचा। बहुत इंतजार के बाद उसका नंबर आया। प्रणाम करने के बाद वो महात्मा जी से बोला, बाबा मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरे रहती हैं। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है तो कभी घर पर अनबन हो जाती है, और कभी अपनी सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। बाबा आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन से सभी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं चैन से जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र आज बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा। लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? जी जरूर, उस आदमी ने कहा। हमारे काफिले में 100 ऊंट हैं। मैं चाहता हूं कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो। जब 100 के 100 ऊंट बैठ जाएं, तो तुम भी चैन से सो जाना। ऐसा कहते हुए महात्मा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह महात्मा उस आदमी से मिले और पूछा, कहो बेटा नींद तो अच्छी आई? वो दुखी होते हुए बोला, कहाँ बाबा, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सभी ऊँटों को नहीं बैठा पाया। कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो ही जाता था। बाबा बोले, बेटा कल रात तुमने अनुभव किया कि चाहे कितने भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं और कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। पुत्र जब तक जीवन है ये समस्याएं तो बनी ही रहती हैं, कभी कम तो कभी ज्यादा। तो हमें क्या करना चाहिए? उस आदमी ने जिज्ञासावश पूछा। बाबा बोले, इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। देखो कल रात क्या हुआ, कई ऊंट रात होते होते खुद ही बैठ गए, कई तुमने अपने प्रयास से बैठा दिए, मगर बहुत से ऊंट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे, लेकिन बाद में तुमने पाया कि उनमें से भी कुछ खुद ही बैठ गए। तो कुछ समझे? समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं। कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो, मगर कुछ तुम्हारे बहुत कोशिश करने पर भी नहीं हल होती। तो ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो, उचित समय पर वे खुद ही खत्म हो जाएंगी। फिर भी जीवन है तो कुछ समस्याएं रहेंगी ही, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो और जीना छोड़ दो। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो, चैन की नींद सो। जब समय आएगा तो वो समस्याएं खुद ही हल हो जाएंगी। बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है,
जिंदगी में टेंशन किसको कम है? अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही दोस्तों कभी खुशी कभी गम है, क्या समझे? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ और बातों के साथ। तब तक मेरी आज की बात पर दीजिएगा ध्यान और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।